बम यूपी से महाराजगंज जा रहे हैं। कितना दिन हुआ चलते हुए? तीन दिन, तीसरा दिन है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएवी सिन्हा ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ की। और अभी दोस्तों मैं खड़ी हूँ कांवड़िया पथ पर, और पहली बार जो है मैं आप लोगों के साथ कांवड़िया पथ का जो है वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने ब्लॉग पर। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत ही अच्छा मौसम किया हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है वो है खिजुड़िया भूत बंगला, जो अभी ये जगह का नाम है। तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा कांवड़िया पथ के बारे में, सब कुछ मैं अभी आपको जो है इस ब्लॉग के माध्यम से अभी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है खिजुड़िया भूत बंगला, ठीक है। और ये जो मंदिर से, बाबा मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, आप देख सकते हैं कि बम लोग कांवड़ लेकर लगातार इधर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी जो मौसम है बहुत ही अच्छा किया हुआ है, धूप नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस वजह से कांवड़िया पथ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि लगातार बम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर, और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ देखने को मिल रही है। बहुत सारा शिविर बना हुआ है निःशुल्क, आराम करने के लिए, पीने के लिए, फिर उनको देख सकते हैं दर्द वगैरह के लिए तेल मालिश, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर निःशुल्क गर्म पानी भी उनको जो है मिलता है यहाँ पर। और इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो शिविर बना हुआ है उनको आराम करने के लिए, आप देख सकते हैं इधर जो है हम लोग यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ जो है पूरा व्यवस्था इधर जो है आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हम लोग इधर आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। पहली बार मैं आप लोगों के साथ कांवड़िया पथ का जो है ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बम लोग लगातार इधर आ रहे हैं। तो चलिए कुछ बम से भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ जानकारी लेंगे कांवड़िया पथ के बारे में। बम कहाँ से आ रहे हैं? बम बढ़नी से, बढ़नी से। कितना दिन हुआ आपको आते हुए? 3 से 4 दिन हो गया है। 3 से 4 दिन हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ी दूर में आप पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में बाबा मंदिर जी। तो मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया सुविधा है। चलिए बोल बम, बोल बम। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि बम लोग भी आराम कर रहे हैं जगह जगह, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग बम? महाराष्ट्र से। महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से आए हैं। कितना दिन हुआ आपको चलते हुए? 3 दिन है। 3 दिन हो गया। अच्छा, और रास्ते में आपको कैसा लगा, सुविधा वगैरह? सुविधा बहुत अच्छा है, यहाँ तक आने में बहुत अच्छा है, सुविधा कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का जो व्यवस्था है, उसका जो मूल्य वगैरह, दाम वगैरह, सब ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोल बम, आपको, आप सब एक ही जगह से आए हैं? एक ही जगह से है। चलिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों बहुत सारे बम है जो कुछ बताना चाह रहे हैं, शायद लगता है कि ज्यादा उत्साहित है कुछ बताने के लिए। तो चलिए बोल बम, सिद्धार्थ नेपाल, नेपाल बर्नी बॉर्डर नेपाल। कितना दिन हुआ आपको? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन आज। अभी आप तो आगे बढ़ेंगे कि अभी आप यहाँ? नहीं नहीं, आगे बढ़ेंगे तुरंत, जस्ट यहाँ से आप ज्यादा दूरी है भी नहीं, 3 किलोमीटर बचा हुआ, 4 किलोमीटर में आप जो है पहुँच जाएंगे। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आप लोग पहला बार आए हैं? नहीं, हमारा ये गिरावा चक्कर है, हम लोग का तीसरा बार। आपका हमेशा पैदल यात्रा ही होता है, तो पहले की अपेक्षा अभी कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से इस बार मौसम भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। हाँ, मिल गया है। और दूसरा सुविधा के बारे में कुछ बताइए, पूरे रास्ता का जो कांवड़ पथ का जो सुविधा, तो एक नंबर है, हेमंत सोरेन के सरकार में सुविधा बहुत अच्छा है। और सुल्तानगंज से होते हुए मतलब उधर भी ठीक ठाक व्यवस्था, सब एकदम ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए एक बार। तो अभी बम लोग से बात किए हैं, और ज्यादा दूरी है नहीं तो बम लोग यहाँ पर विश्राम नहीं करेंगे, अभी जो है बम लोग के जो है मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए मंगल कामना के साथ आप लोग आगे बढ़िए, भगवान आपकी, भोलेनाथ आप सभी की सब जो कामना है वो पूरी करे। शुभ यात्रा। बोल बम, बोल बम। कहाँ से आए बम? कहाँ से तो आ ही रहे, लेकिन रहने वाले आप लोग कहाँ से? औरंगाबाद जिला। ठीक है, कितना दिन हुआ आप लोग चलते हुए? 2 दिन, तीसरा दिन यहाँ पहुँच गए हैं। तीसरा दिन पहुँचा, तो अभी क्या यहाँ पर रुकना है कि आगे चलना है? आगे चलना है, ठीक है, बाबा मंदिर के पास ही पहुँचेंगे तो रुकेंगे नहीं। तो अभी जो और भी यात्री अभी आएंगे उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे रास्ता के बारे में, कांवड़िया पथ के बारे में?
अच्छा है और क्या, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आया है वो आराम से आ सकते हैं, आ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। बोल बम बोलिए, कस के बोल बम, बोल बम बोलने में कुछ नहीं, कस के बोलिए बोल बम। कहाँ से आ रहे बम? बोल बम यूपी से, महाराजगंज जा रहे हैं। कितना दिन हुआ चलते हुए? 3 दिन, आज तीसरा दिन है। मतलब लगभग 3 दिन लग जाता है पहुँचने में? कंटिन्यू चल रहे, रुकते होंगे? हाँ रुकते हैं, 1 घंटा चलते हैं, रुकते हैं 1 घंटा। चलिए धन्यवाद। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि निःशुल्क सेवा के साथ साथ बहुत सारी निःशुल्क सेवा भी यहाँ पर जो है मिलेगा कवरियों लोगों को, बहुत सारी सुविधा यहाँ पर है। और चाय, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फलाहारी जो करते हैं उनके लिए फ्रूट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सारा कुछ यहाँ पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जगह जगह आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सारा जो है निःशुल्क शिविर लगाया गया है। तो कवरियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है, और बहुत लोग यहाँ पर जो है रुककर आराम भी करते हैं, विश्राम करते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है कवरिया पथ पर। और अभी का जो मौसम है बहुत ही अच्छा किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कवरिया एकदम लगातार जो है चल रहे हैं। धूप होने की वजह से थोड़ा सा रुक जाते हैं, और मौसम अच्छा होने की वजह से अभी देख सकते हैं कि कवरिया जो है लगातार बाबा मंदिर की ओर जो है बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दर्शनीय मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ के ही है ये खिजुरिया है, यहाँ पर भूतमंगला के पास जो है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ का जो है ब्लॉग मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो कवरिया पथ का जो है मैंने पहला बार जो ब्लॉग यहाँ पर शेयर किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बम लोग जो है कंटिन्यू यहाँ पर बढ़े रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दूरी आप मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर है। और बहुत सारे बम यहाँ पर आराम करने के लिए भी रुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो। और बहुत लोग आगे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना जल्दी बाबा नगरी पहुंच जाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मौसम बहुत ही अच्छा किए हुए हैं। तो बम लोग आगे एकदम बढ़ते जा रहे हैं, बोल बम का नारा लगाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ऐसे ही जो है श्रावणी मिला के जो बहुत सारी मैंने वीडियो शेयर किए हैं और आगे भी करती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।